बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पूरे ग्राम पंचायत के जो है स्वतंत्रता का जो है कार्यक्रम खत्म हुआ है, स्वतंत्र दिन का जो है कार्यक्रम समाप्त हुआ है और अभी बच्चों को जो है वापस गांव के जो है जिला परिषद प्राथमिक शाला की तरफ ले जाया जा रहा है। वहां पर भी जो है बहुत बेहतरीन जो है कार्यक्रम होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन। नमस्ते, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नए और बेहतरीन एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी लोगों को जो है 76वें इंडिपेंडेंस डे की यानी स्वतंत्रता दिवस की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो है हमारे स्वातंत्र्य को जो है 75 साल पूरे हो चुके हैं यानी अमृत महोत्सव जो है हम आज मनाने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार जो है पूरा आज़ादी का महोत्सव आज होने वाला है हमारे गांव में। 3 जगहों पर जो है तिरंगा फहराया जाता है, अभी तो पूरे घरों पर ही फहराया जा रहा है। जिस प्रकार से मैंने अपने घर पर फहराया वैसे ही सभी लोग अपने अपने घरों पर फहरा रहे हैं, वैसे ही जो है हमारे गांव के ग्राम पंचायत के पास, फिर उसके बाद हमारे गाँव के जो है जिला परिषद स्कूल में और उसके बाद जो है हाई स्कूल में जो है बेहतरीन तरीके से तिरंगा जो है फहराया जाने वाला है। वहीं पर आज अपन जाने वाले हैं, बहुत ही शानदार जो है आज का ये पूरा उत्सव होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है, बहुत सारे वीडियोस जो है आज के दिन के अपने को देखने के लिए मिलेंगे। हर घर तिरंगा का भी जो है अपने को एक बेहतरीन वीडियो जो है बनाना है अलग से। तो फिर चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन ब्लॉग को। 2 सालों के लंबे अंतराल के बाद जो है बहुत ही शानो शौकत के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है गांव में जो है स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया गया लिंबे चिंचोई गांव के नए ग्राम पंचायत के सामने, जहां पर जो है हर साल की तरह बच्चों को जो है प्राथमिक साल के बच्चों को जो है बुलाया गया था। पूरा मेरोणुक के साथ बाजा बजंत्री के साथ जो है बच्चे आते हैं, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर भाषण वगैरह होता है और हमारे गाँव के सरपंच साहिबा के हाथों से जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, हमें बचपन से ही जो है पूरी रैली में शामिल होते थे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पूरा स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। और लॉकडाउन के चलते जो है ये सभी परंपरा जो है बंद हो गई थी, लेकिन इस साल जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन न होने की वजह से जो है फिर से जो है ये बेहतरीन प्रथा को जो है हमने निभाया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पूरे शानो शौकत के साथ लिंबी चिंचोली गाँव के ग्राम पंचायत के सामने जो है बेहतरीन तरीके से तिरंगे को जो है लहराया है। चलो भाई, अनफॉर्चुनेटली अपन आने से पहले जो है ग्राम पंचायत के पास जो है बेहतरीन तरीके से ध्वजारोहण किया गया है हमारे गांव के सरपंच जी के द्वारा। सभी बच्चे वगैरह भी आए थे, उनकी जो है मार्च निकली लिए बेहतरीन तरीके से यहां से। तो अपने घर पर लहराने के थे ना अपन तिरंगा, उसी चक्कर में जो है यहां का तिरंगा लहराने का मिस करे अपन, लेकिन फिर भी बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर तिरंगा लहराए हुए। अब यहाँ से सीधा जो है हमारे गाँव के जिला परिषद स्कूल में और उसके बाद जो है वहाँ से हाई स्कूल में जो है बेहतरीन तरीके से तिरंगा लहराया जाएगा और पूरे स्वतंत्रता के जो है बेहतरीन जो है कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो चलो देखेंगे बोलते क्या क्या होता है, अभी और आगे जाएंगे बोलते उस बेहतरीन मेरोणुक में शामिल होंगे बोलते। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है पूरा ग्राम पंचायत के जो है स्वतंत्रता का जो है कार्यक्रम खत्म हुआ है, स्वतंत्र दिन का जो है कार्यक्रम समाप्त हुआ है और अभी बच्चों को जो है वापस गाँव के जो है जिला परिषद प्राथमिक शाला की तरफ ले जाया जा रहा है। वहाँ पर भी जो है बहुत बेहतरीन जो है कार्यक्रम होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन जो है पूरा कार्यक्रम चल रहा माशाल्लाह। अभी गांव के भी बहुत सारे लोग यहां पर जमा है, अभी थोड़ी देर में जो है गांव के जिला परिषद प्राथमिक शाला में जो है बेहतरीन तरीके से स्वतंत्रता दिन का जो है कार्यक्रम मनाया जाएगा, वहां पर जो है गाँव के सभी लोग मौजूद होंगे। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है, बहुत ही शानदार जो है आज का ये कार्यक्रम होने वाला है। चलो भरपूर जो है गाँव के लोग हैं यहाँ पर रुके हुए, यहाँ को अब भी जो है ग्राम पंचायत के पास जबरदस्त तरीके से जो है स्वतंत्रता दिन का जो है कार्यक्रम मनाया गया। सब बड़े बड़े लोग आ, सब प्रतिष्ठित नागरिक जो है यहाँ पर आ चुके हैं, अभी थोड़ी ही देर में जो है कार्यक्रम होगा। चलो चलो देखेंगे बोलते क्या क्या होता है और आगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के शानदार जानदार जबरदस्त जोरदार और बेहतरीन ध्वजारोहण का कार्यक्रम देखने के लिए। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे शानो शौकत के साथ जो है लिंबी चिंचोली गांव के ग्राम पंचायत के सामने जो है हमने ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है समाप्त किया है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर साल की तरह जो है इस साल जो है ग्राम पंचायत के सामने जो है पूरे शानो शौकत के साथ ध्वजारोहण समाप्त हो चुका है और अभी जो है हम गांव के जिला परिषद प्राथमिक शाला की तरफ जाने वाले हैं और वहां पर जो है बेहतरीन तरीके से ध्वजारोहण का कार्यक्रम अनुभव करने वाले हैं और उसके साथ साथ जो है यहीं पर बेहतरीन तरीके से जो है बच्चों के बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा कार्यक्रम होने वाला है। अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन बताओ और जाने से पहले हमारे YouTube चैनल को ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करो। तो फिर तब तक के लिए अलविदा, मिलेंगे फिर से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।